राजधानी रायपुर में नशे का कारोबार नहीं थम रहा। पुलिस से कई कैफे में अवैध रूप से शराब पिलाने की शिकायत की गई। एसएसपी रायपुर ने खुद ग्राहक बनकर कैफे में दबिश दी। आरोपियों के कब्जे से देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। मैनेजर के साथ मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर की गई है और सभी पर आबकारी एक्ट समेत अन्य धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने माना, मंदिर हसौद, तेलीबांधा और न्यू राजेंद्र नगर थाने में कार्रवाई की है। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से पुलिस ने दबिश दी, कई कैफे संचालकों पर भी यहां पर गाज गिरी है। यहां पर कई इलाकों में दबिश दी गई पुलिस की टीम की ओर से, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहां पर जो शराब मिले हैं, क्या अब पुलिस आगे भी इस तरीके की जो कार्रवाई है वो जारी रखेगी और नशे के कारोबार के खिलाफ और किस तरीके से यहां पर अलर्टनेस दिखने वाली है? देखिए, रायपुर पुलिस की ओर से निजात अभियान चलाया जा रहा है और ये निजात अभियान नशे के खिलाफ है। यही वजह है कि लगातार रायपुर पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि रात में देर रात तक ये तमाम ऐसे होटल्स, क्लब ऐसे संचालित हो रहे हैं जहां देर रात तक शराब परोसी जाती है। और देखिए, इसकी शिकायत लगातार पुलिस के पास पहुंचती है, लेकिन पुलिस के द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर खुद रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह को सड़क पे उतरना पड़ता है। वो क्लब पहुंचते हैं और ग्राहक बनके वो शराब खरीदते हैं। जब उन्हें शराब परोसा जाता है, इसके बाद फिर पुलिस की टीम पहुंचती है और पुलिस की टीम पहुंच के कार्रवाई करती है। देखिए, ये केवल एक क्लब या पब की घटना नहीं है, ये शहर के कई सारे ऐसे क्लब हैं और पब हैं जहाँ पे खुद रायपुर एसएसपी पहुँचते हैं और वहाँ कार्रवाई की जाती है। देखिए, रात 1 से 2 बजे तक लगातार धड़ल्ले के साथ इन क्लब्स और पब में शराब परोसे जा रहे थे और इसकी शिकायत लगातार हो रही थी और पुलिस के द्वारा निजात अभियान भी चलाया जा रहा है, वो भी नशे के खिलाफ। लेकिन अब तक जो सही कार्रवाई की हम बात करें तो वो देखी नहीं जा रही थी। यही वजह है कि खुद एसएसपी को सड़क पे उतरना पड़ा है। देखिए, 2 सप्ताह पहले ही एसएसपी की एक क्रैक टीम गठित की गई थी जो केवल नशे के खिलाफ कार्रवाई, आधी रात में तमाम पब और क्लब में पहुंच करके दबिश दे करके कार्रवाई कर रहे थे। जब उसमें भी सही तरीके से सफलता नहीं मिला, उसमें भी लगाम नहीं लगा गया, उसके बाद खुद एसएसपी को सड़क पर उतरना पड़ा और ये कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, इस पूरे मसले पे कई ऐसे क्लब हैं, पब हैं जिनके संचालक, मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं बल्कि आबकारी विभाग को भी अब पत्र लिखने की तैयारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ठीक है, ये कार्रवाई आबकारी, जाहिर तौर पर यहाँ पर पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका।